जय हिंद दोस्तों, मैं संकेत आप सबका संदेश करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके बीच में आधुनिक भारत के जीएस का पार्ट टू लेकर आए हैं, जिसका 16 नंबर क्वेश्चन यह है कि पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद 16 क्वेश्चन यह है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में जो हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी। इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी नागपुर व सतारा राज्य कब्जे में किए गए थे। हड़प नीति को किसने लागू किया था। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल थे बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ओडियार फिर डाट 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 रिक्त स्थान के शासक थे। तो ओडियार के शासक थे, मैसूर रियासत के जो शासक थे वो ओडियार के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और उसी जगह उसकी मृत्यु भी हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसमें क्वेश्चन ने पूछा गया क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो द्वैत शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों को सर्वाधिक किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। तो इसका मतलब अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया गया था तो उसका विरोध मराठों ने ही किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में होता वह क्यों ऐतिहासिक महत्व था। तो इसका आंसर है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जे की शुरुआत 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध से ही शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका क्या उद्देश्य था। तो ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों को शिक्षा देना चाहती थी उसमें उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलवाया था। तो इसका आंसर है पहला है अवध। प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यह भी हड़प नीति के अंतर्गत ही किया गया था। 29 क्वेश्चन है कि आदि गुरु आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ संकलित करने वाले थे गुरु अर्जुन ने ही आदि ग्रंथ को संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो पूछा गया कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो यह मैकाले के मिनट से 1835 ईस्वी में हुई थी। 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब पूछा गया कि कौन से गवर्नर जनरल कब आए थे। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है तो पहला दिया गया ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव, वेन्सिटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स तथा कार्टियर। तो इसका सही आंसर बी है। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेन्सिटार्ट आए थे, फिर कार्टियर आए थे, फिर वारेन हेस्टिंग्स आए थे। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था।
तो इसमें पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव, उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों बता दें कि ये जो तीनों हैं ये तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। अब आगे पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 33 नंबर का कि भारत में निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। तो यह इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक से टिकट शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी है। इसने ही भारत में रेल की शुरुआत सबसे पहले ही किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ठगी प्रथा को अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बैंटिक को। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने ही राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत किया था। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। तो दोस्तों हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है डी शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय ने ही मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, आज के अगले क्वेश्चन पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, तो उस समय मुगल सम्राट थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी थे हेस्टिंग्स थे। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। जो छूटें प्राप्त की थी अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से उसका बहुत ही दुरुपयोग किया गया था, इसीलिए उन दोनों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान, खादिम खां। तो इनमें से कौन थे जो जिसने सिराजुद्दौला का साथ दिया था? वो थे मोहनलाल तथा खादिम खां थे, नहीं मोहनलाल तथा मीर मदान थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 23 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए कार मर गए थे, कहाँ घटित हुई थी? तो यह कलकत्ता में घटित हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और उनकी दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था, यह किस बंगला बंगला कवि का कथन है? तो यह किस बंगला कवि का कथन है? तो यह है नवीन चंद्र सेन का है। तो यह कथन नवीन चंद्र सेन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में ईस्वी से 1777 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध
शासनकाल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया था, तो किस कवि ने दिया था? के एम परिकर ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेड हेस्टिंग से। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके बीच इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।